जुलाई को बिकरू में पुलिस पर गोलियां बरसाने वालों को, हमलावरों को महिलाओं ने उकसाया। 3 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। दिल दहला देने वाला बिकरू कांड अब भी लगातार चर्चा में है। आधी रात दबिश देने गई पुलिस की टीम पर हमला करने वाले अपराधी जेल की सलाखों के पीछे हैं, कुछ एनकाउंटर में मारे जा चुके हैं, लेकिन इस मामले पर एक के बाद एक होते जा रहे सनसनीखेज खुलासे योगी सरकार को सवालों के कटघरे में आज भी खड़ा कर रहे हैं। अब जो खबर सामने आ रही है उसके आधार पर आपको बता दें, इन गुंडों को पुलिस वालों पर गोलियां चलाने के लिए उकसाया था इन्हीं की पत्नियों ने। इन महिलाओं ने अपने पतियों को पुलिसकर्मियों को मारने के लिए गोलियां उपलब्ध कराई। इसके बाद लूटे गए पुलिस वालों के हथियारों को रखने में मदद की। इस बात का खुलासा पुलिस ने चार्जशीट में किया है। गुरुवार को 36 आरोपियों के खिलाफ मापी कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई। इसमें शमा पत्नी संजू उर्फ संजय दुबे, रेखा पत्नी दयाशंकर अग्निहोत्री, नाबालिग पत्नी अमर दुबे, शांति पत्नी रमेश चंद्र को भी आरोपी बनाया गया है। महिलाओं को आरोपी बनाने के पीछे जो कारण पुलिस ने चार्जशीट में दाखिल किया, उसके अनुसार बिकरू में जब पुलिस और विकास समेत उनके गुंडों के बीच फायरिंग हुई तो इन महिलाओं ने अपने पतियों को ये कहते हुए उकसाया कि एक भी पुलिसकर्मी बचना नहीं चाहिए। गोलियों को पुलिस पर इस्तेमाल करने के लिए उपलब्ध कराया गया। चार्जशीट में पुलिस ने यह भी लिखा है कि घटना के दौरान पुलिसकर्मियों की हत्या कर जब उनके असलहों पर डकैती डाली गई तो इन्हें रखने और छिपाने का काम इन्हीं महिलाओं ने किया। पुलिस ने षड्यंत्र रचने में भी महिलाओं को आरोपी बनाया है। आरोपी महिलाओं ने हथियारों के लिए गोलियां देने का भी काम किया। पुलिस के पास इसके पर्याप्त सबूत हैं और कोर्ट में इन्हें साबित किया जाएगा। एसपी ग्रामीण ब्रजेश श्रीवास्तव का ये बड़ा बयान बीते कल जारी की गई चार्जशीट के बाद आया है। एसपीएन 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।